खबर उमरिया से है, जहां आदिम जाति कल्याण विभाग में बीते 3 साल के अंतराल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लिपिक को निलंबित कर दिया है। वहीं विभाग के सहायक आयुक्त से वित्तीय प्रभार भी छीन लिया गया है। जिले के कलेक्टर द्वारा की गई इस कार्रवाई में संबंधित लिपिक पर करोड़ों रुपए अनैतिक रूप से भुगतान करने के आरोप है। लिपिक ब्रजेंद्र सिंह ने बिना काम के ही ठेकेदार को राशि का भुगतान कर दिया था, जिसकी शिकायत के बाद जांच की गई तो सारा मामला उजागर हो गया। और यहां पर शासकीय राशि के गबन का भी बड़ा मामला सामने आ सकता है। विभाग के लिपिक ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया गोलमाल शहर भर में आदिम जाति विभाग की किरकिरी कर रहा है। आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्माण कार्यों के संबंध में मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी कि इसमें टेंडर नियमों का पालन नहीं किया गया है, कुछ कार्य हुए ही नहीं है, उन्हें भी पूर्ण बता के भुगतान किया गया है। तो इसमें प्रथम दृष्टिया जांच की, उसमें दृष्टिया दोषी पाए जाने पर निर्माण शाखा के प्रभारी लिपिक विजयन सिंह को निलंबित किया गया है और सुपरवाइजिंग अथॉरिटी चूंकि सहायक आयुक्त होते हैं तो उनके वित्तीय प्रभार वापस लिए हैं, जिससे कि ये दोनों व्यक्ति जांच प्रभावित ना कर सके। आगे जांच की जा रही और दोषी यदि इसमें पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए।